चलिए अब कोरोना अपडेट्स ले ले। तीसरी लहर के दौरान झारखंड में जनवरी का दूसरा सप्ताह कोरोना का पीक माना जा रहा है और इन दो सप्ताह में संक्रमण दर 5% से अधिक था। हालांकि 15 जनवरी के बाद केस कम होने लगे और अब विशेषज्ञ 15 जनवरी के आसपास ही राज्य में तीसरी लहर का पीक मान रहे हैं। वजह है कि हाल के दिनों में नए मामलों में कमी देखी गई है। 17 से 21 जनवरी के बीच संक्रमण दर 3.78% पर आ गई है। कोरोना की तीसरी लहर हालांकि ज्यादा घातक नहीं मानी जा रही, लेकिन तब भी विशेषज्ञ पूरे एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर में 20 दिसंबर 2021 से लेकर 22 जनवरी 2022 की शाम 5 बजे तक कुल 102 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। शनिवार को सूबे में 1,755 नए केस मिले, वहीं 3,888 मरीजों ने संक्रमण को मात दी। 9 लोगों की जान गई है, इसमें पूर्वी सिंहभूम के 4, सरायकेला के 2, धनबाद के 2 और बोकारो का 1 मरीज शामिल है। नए केस में रांची से 600, पूर्वी सिंहभूम से 276, सिमडेगा से 134, दुमका से 113 मरीज मिले हैं। अब झारखंड में एक्टिव केस की संख्या 21,628 है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।